तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बना के बताया, जिसमें बताया था सैमसंग F22 में एक नया अपडेट आया था और उसमें एक नई सिक्योरिटी का अपडेट दिया गया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस अपडेट के बाद क्या मुझे लगा परफॉर्मेंस वाइज और क्या बग लगा। मुझे एक बग लगा है उसके अंदर, जो कि यार मैं बहुत दिनों से उसको वेट, मतलब बहुत दिनों से कि जब से आया है जब से इसको पूरा देख रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत इरिटेशन लगा जा रही है। बग ऐसा आपको यूजर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट वो बग बहुत बड़ा है। क्या ये बग है, आपके मोबाइल में आया नहीं आया, सब मुझे आप मुझे बताइएगा। पर आगे चलते हैं, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग F22 के नए अपडेट के रिव्यू के बारे में। जैसा कि मैं आपको ले जाऊँ यहाँ पर सेटिंग पे, सेटिंग पे जाके अगर आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट अपडेट में, मैं आपको ले जाऊँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में, सॉफ्टवेयर अपडेट में और लास्ट अपडेट में आप देखेंगे तो मैंने इसको 17 जुलाई को अपडेट किया था, 3:40 में मैंने इसको अपडेट किया था। तो इस अपडेट के साथ नया क्या आया और क्या बग लगे सब आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे, पहले तो मैं आपको ले जा रहा हूँ पहले बैटरी की तरफ, जो कि मुझे इम्प्रूव लगी थी, मैंने उसी वीडियो में बताया था, फिर भी आपको अभी फिर बता रहा हूँ। तो मुझे बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी इम्प्रूव लगी। अगर मैं आपको ले जाऊँ यहाँ पर तो आप देखेंगे लास्ट 7 डेज में मेरी बैटरी मे बी 20 आवर्स तो चली रही है, उससे ज़्यादा का ही दे रही है। अगर आप देखें 19 में मैं एक ही बार चार्ज करता हूँ और बाद में उसको 15-20% होने के बाद ही चार्ज करता हूँ। ऐसा नहीं कि बीच बीच में चार्ज करता हूँ, मैं एक ही बार चार्ज करता हूँ। आप देखेंगे परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। उससे पहले का परफॉर्मेंस देखेंगे आप जैसे 16 तारीख का, तो उसके मुकाबले 17 का ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है आप देख सकते हैं, या 18-19 का आप देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट है। यही नया अपडेट या बोल सकते हैं यही परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की गई है। और उसके बाद अगर आप देखें इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो आप यहाँ पर कितना भी चीज़ खोल लें उसकी परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर बहुत ही शानदार यहाँ पर चल रहा है। अगर आप यहाँ पर गैलरी भी देखें तो भी आप देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। परफॉर्मेंस में यहाँ पर बहुत ही अच्छा, चलने में कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर। मैं अगर मान लो लगातार सभी ऐप्स खोल लूँ फिर आप देखें तो भी आपको पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है। परफॉर्मेंस में यहाँ पर बहुत शानदार चल रही है। एक लिमिटेड यूजेस के हिसाब से मैं यहाँ पर सब कुछ खोल लिए, मैं भी मैंने ज़्यादातर तो खोल ही लिया। और अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पर आप, तो यहाँ पर अभी भी परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब यहाँ पर टनाटन चल रहा है। और अब मैं करूँ वापस तो यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ यहाँ पर टनाटन यहाँ पर सब वर्किंग में चल रही है। तो परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं है, सब ओवरऑल यहाँ पर उमदा चल रहा है, बोल सकते हैं सही साथ चल रहा है। अब बात करें दोस्तों इसमें बग की और हीटिंग की, तो दोस्तों मुझे फ़िलहाल हीटिंग का इशू इसमें नहीं लगा, कोई भी हीटिंग का इशू नहीं। नॉर्मल मेरा मोबाइल चल रहा है, कोई हीट नहीं है। मैं कितने घंटे, मैंने आज 2-3 घंटे लगातार नेट भी चलाया, तो भी 5G में चलाया तो भी मेरा मोबाइल हीटिंग नहीं हुआ। हीटिंग का इशू तो बिल्कुल भी यहाँ पर रिजॉल्व हो गया, हीटिंग नहीं हुई है। यहाँ पर मुझे एक बग लगा, वो बग क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा आप यहाँ पर अगर फ़ोन डायलर पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, तो आपको एक यहाँ पर स्पैम प्रोटेक्शन मिलता है, कॉलर आईडी स्पैम प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि सैमसंग की तरफ से आपको प्री इंस्टॉल मिलता है और आपको इनेबल करना होता है। इससे क्या होता है, आपको यहाँ पर नाम बता देगा कॉल आने से पहले, लाइक ट्रू कॉलर टाइप ये काम करता है। और ये बट ये जेन्युइन नाम बताता है, जैसा कि सैमसंग का ऑनर है, जैसे मान लो मेरा ही मोबाइल है और मैंने अपना नाम ऐड ऑन कर रखा है, अगर मैं किसी सैमसंग के मोबाइल को फ़ोन लगाऊंगा तो मेरा नाम वहाँ पर क्लियरली आ जाएगा। या फिर कोई भी अगर इसको लगता है कि कोई ब्लॉक वाली है या फिर स्नैप कॉल है, तो वो उसको ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देता है। इस तरीके से ये वर्क करता है। बट मैं आपको बता दूं मेरे पास क्या हो रहा है अपडेट के बाद से, मेरे पास क्या हो रहा है कि जब भी कोई मेरे पास अननोन नंबर से कॉल आ रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या नाम बता दे रहा है, नो नेम अवेलेबल। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने ये आपको लिस्ट दिख रही है, ये मेरे पास जब से अपडेट करा है जब से हो रहा है। मैंने सोचा शायद इन लोगों के नाम ही अपडेट होंगे, बट सबके साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बगल में स्मार्ट बना रहा है, मतलब कि ये इसको डिटेक्ट करा है, स्पैम प्रोटेक्शन है, कॉलर आई डी स्पैम प्रोटेक्शन है, इसको डिटेक्ट करा है कि इसका नाम नो नेम अवेलेबल है। कॉल तो आ रहा है, ऐसा नहीं कि कॉल ब्लॉक हो रहा है, बट ये बग मुझे लगा क्योंकि एक बार नहीं, मेरे साथ तो बहुत सारे नंबरों के साथ कॉल आए, सब में एक ही चीज़ बता रहा है, नो नेम अवेलेबल, नो नेम अवेलेबल। तो ये बग मुझे लगा, आपको बताना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस अपडेट के बाद क्या बग लगा और क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स थी। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं।
और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना और ये वीडियो भी जरूर शेयर करना ताकि सबको पता चले कि नए अपडेट में क्या क्या नए चेंजेस और क्या क्या बग आए हैं। थैंक यू।